हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाएंगे सेवई, वो भी तड़केदार, जो आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। हम गैस जलाते हैं। ये हमारा 2 लीटर दूध है। हम दूध गर्म होने के लिए रख लेते हैं, आपको आगे का सामग्री दिखाते हैं। ये हमारा सेवई है, ये मोटी वाली सेवई है। हम अच्छे से इसको गिन लिए, चुन लिए हैं। ये हमारा चीनी है। ये हमारे कुछ काजू बादाम किशमिश है, नारियल, इसको हम कट करके डालेंगे। फिर चलते हैं दूध की तरफ। हम अपने दूध को दूसरे साइड रख लेंगे। दूध को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये हमारा 2 लीटर दूध है, हमारा अमूल दूध है। देखिए कितना गाढ़ा दूध है ये। इसे अच्छे से उबाल देंगे। चलते हैं, हम सेवई तल लेते हैं। 1 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में। हमारा घी गर्म हो चुका है, हम सेवई को तलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। बहुत ही टेस्टी सेवई बनता है फ्रेंड्स, आप भी एक बार तड़केदार सेवई बनाकर जरूर खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा देर भी नहीं लगता है बनाने में, बहुत कम समय में बन जाता है। इसे हम थोड़ा लाल होने तक फ्राई करेंगे, यानी 2 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। देखिए हमारी सेवई अच्छे से तल चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा दूध भी उबल चुका है और दूध भी अच्छे से उबल चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना गाढ़ा। हम सेवई को इसमें डाल देंगे। दूध में सेवई को इसमें डाल दिया है। अब आंच पे एकदम कम करके 2 मिनट तक हम वक्त पकाएंगे। 2 मिनट डालेंगे। देखिए 2 मिनट के बाद हमारी सेवई अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसे ढक देंगे, गैस को बंद करके। हम गैस पे वापस कढ़ाई रख लिए हैं तड़के के लिए। हम घी डालेंगे, इससे टेस्ट हमारा दोगुना बढ़ जाता है। हमारा घी गर्म हो चुका है, हम तेज पत्ता डालेंगे, 2 से 3 इलायची डालेंगे, नारियल डालेंगे, ये काजू बादाम किशमिश हम इसी में डालेंगे। तड़के के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे लाल होने से। फ्राई सेवई खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप जरूर फ्राई कीजिए। देखिए हमारा कितना प्यारा तड़का तैयार हो गया है। हमारे किशमिश भी खुल के बिल्कुल अंगूर जैसे दिखने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब तड़का लगाते हैं सेवई में। हम सेवई में तड़का लगाएंगे अपना। देखिए हमारा तड़केदार सेवई कितना अच्छा बना है। अगर आपको पसंद हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।